नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं शेष भारत। हमारी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हमारी सरकार कट्टर ईमानदार सरकार है। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर सत्ता में आने वाली आम आदमी पार्टी भले ही आज भी खुद को कट्टर और ईमानदार पार्टी बताने का दावा करती हो, लेकिन सच इससे कोसों परे है। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का दावा करने वाले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर आज खुद धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के अनेकों मामले चल रहे हैं। कट्टर बेईमान पार्टी अपने दोस्तों से और अपने पार्टी के लोगों से प्यार करती है, उनको बचाने की कोशिश करती है। अगर उनकी पार्टी का कोई पकड़ा जाए तो उसको जांच भी नहीं होती, कुछ नहीं होता। उनका कोई दोस्त पकड़ा जाए चोरी करते हुए तो उसका कुछ नहीं होता। कट्टर ईमानदार पार्टी देश से प्यार करती है। अगर उनका अपना भी कोई फंसे, तो उसको बख्शती नहीं है कट्टर ईमानदार पार्टी। लेकर स्कैम में आधे से ज्यादा पार्टी सलाखों के पीछे है। खुद अरविंद केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, लेकिन फिर भी केजरीवाल का ईमानदारी का नारा बुलंद है। एक तरफ केंद्र सरकार और देश की तमाम जांच एजेंसी से अरविंद केजरीवाल की लड़ाई जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी हरकतों से वो लगातार देश की अदालतों से डांट खा रहे हैं। अभी जैसे तैसे सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को डांट फटकार कर और उनके विज्ञापनों पर रोक लगाकर रैपिड रेल का बकाया भुगतान करवाया था कि अब एक और नया मामला सामने आया जिसको लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ को गुस्सा आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने मंगलवार को कथित अतिक्रमण को लेकर आम आदमी पार्टी से ये सवाल किया है कि दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई जमीन पर किसी राजनीतिक दल का ऑफिस कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अरविंद केजरीवाल की पार्टी से राउज एवेन्यू स्थित उसके ऑफिस के बारे में पूछा जो दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई जमीन पर बनाया गया था। मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता, कोई राजनीतिक दल उस पर कैसे बैठ सकता है। इस जमीन पर हाई कोर्ट को कब्जा दिया जाना चाहिए। हाई कोर्ट इसका क्या उपयोग करेगा, ये फैसला केवल हाई कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए। नाराज सीजेआई ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील को चेतावनी दी कि जमीन हाई कोर्ट को वापस कर दी जानी चाहिए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली के मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग के सचिव और राष्ट्रीय राजधानी की सरकार के वित्त सचिव को इस मुद्दे पर एक बैठक बुलाने को कहा है। ये निर्देश तब आया है जब मामले में सर्वोच्च अदालत की सहायता के लिए न्याय मित्र के रूप में संयुक्त अधिवक्ता के परमेश्वर ने कहा कि एक राजनीतिक दल ने कोर्ट पूल के एक टुकड़े पर अपना ऑफिस बनाया है। पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। वहीं दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने अतिक्रमित भूमि पर पार्टी दफ्तर बनाने के आरोपों से साफ इनकार किया है। पार्टी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी मजबूती और स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार करती है कि दिल्ली के राउज एवेन्यू में स्थित पार्टी का राजनीतिक मुख्यालय अतिक्रमित भूमि पर बनाया गया है। हम माननीय न्यायालय के समक्ष दस्तावेज पेश करेंगे जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि ये जमीन दिल्ली सरकार की ओर से आम आदमी पार्टी को आवंटित की गई है। पार्टी ने दावा किया कि साल 1992 में यही जमीन आईएएस अधिकारियों और 3 मंत्रियों को आवंटित की गई थी और इस पर किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। हम अपने जवाब के साथ सभी वैध दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश करेंगे। आपको बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अदालतों के साथ लड़ाई कोई नई नहीं है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले केजरीवाल सरकार को राजधानी दिल्ली में न्यायिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए टेंडर जारी करने सहित उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसमें बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दिल्ली हाई कोर्ट और जिला अदालतों को धन उपलब्ध कराने के लिए अपने ढुलमुल रवैये को लेकर दिल्ली सरकार की आलोचना की गई थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि ताजा मामले में दिल्ली सरकार कैसे अपना पक्ष तमाम दस्तावेजों के साथ कोर्ट के सामने रख पाती है और अगर वाकई उसके दावों में सच्चाई है तो कैसे अपने ऑफिस को बचा पाती है। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।